वेलकम माय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखो लास्ट हमने डिस्कशन किया था क्वेश्चन नंबर 5 में। हमने देखा था कि वो 360 से अगर एक्सपीरियन ये कंप्लीटली डिजिबल है तब तक ये रेगुलर पॉलीगन है, अदरवाइज नॉट रेगुलर पॉलीगन। अब अपने डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें लिखा है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन और व्हाई, कि व्हाट इज द मिनिमम, कितना मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल है फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, व्हाई ऐसा क्यों है। देखो तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि इंटीरियर एंगल की बात हो रही है तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला देखो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड n। जब अपने को निकालना है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल तो फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस में 2 मल्टीप्लाई 180। देखो n माइनस में 2 मल्टीप्लाई 180 तो क्या निकलेगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। लेकिन अपने को फाइंड करना होता है ईच इंटीरियर एंगल। देखो क्या फाइंड करना होता है, ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल। देखो जब ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करना है तो कितना साइड गिवन है, देखो एन साइड है तो एन माइनस में 2 मल्टीप्लाई 180। जब अपने को ईच फाइंड करना है तो अपने क्या लिखेंगे, एन माइनस में 2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन एन, इस नंबर को एन से अपने डिवाइड कर देंगे। अब देखो n की मिनिमम कितनी वैल्यू रखी जिससे कि अपने पास क्या आ जाए, रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल हो। देखो पॉलीगन होता है तो लाइन सेगमेंट से बना और क्लोज हो। तो देखो अगर मैंने एक लाइन होगी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंक्लाइंड, क्या कोई भी स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी जो इसको क्लोज कर दे, नहीं। मैंने दो स्ट्रक्चर की जैसे वो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, क्या ये क्लोज है, ये नहीं होगा। तो मिनिमम हमें कितना चाहिए, 3। देखो मिनिमम हमें कितना चाहिए, 3। अपने इसको इस फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं। देखो अगर हमारा आंसर n माइनस में 2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन n, अपने को ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे कि इसका वैल्यू कितना आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए। देखो अगर आपने n की वैल्यू 1 रखी तो 1 माइनस में 2 कितना होगा, -1। -1 मल्टीप्लाई 180 कितना हो जाएगा, माइनस का 180 कभी एंगल पॉसिबल नहीं है। तो हमने n की वैल्यू 1 अप्लाई नहीं कर सकते। फिर हमने अप्लाई किया n की वैल्यू कितना, 2। देखो n की वैल्यू हमने 2 रखा तो 2 रखने पर कितना हो जाएगा, 2 माइनस में 2 0, 0 मल्टीप्लाई 180 भी कितना हो जाएगा, 0, 0 अपॉन n इक्वल टू 0। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हमने मिनिमम कितना रखा, n की वैल्यू 3, तो 3 माइनस में 2 कितना हुआ, 1, और 1 मल्टीप्लाई 180। तो देखो कितना पॉसिबल है, n की वैल्यू कितना पॉसिबल है, 3। इसका मतलब कितना, किससे बड़ी होनी चाहिए, ये 0 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू। n की जो भी वैल्यू रखनी है वो क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी, और कितना 2 से भी कितना होना चाहिए, बड़ी होनी चाहिए वैल्यू। तो देखो हमने n की वैल्यू कितनी अप्लाई की, 3। तो 3 रखने पर कितना हो जाएगा, देखो 3 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 3, तो 1 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 3 कितना आ गया अपने पास आंसर, 60 डिग्री। तो ईच इंटीरियर एंगल्स मिनिमम से मिनिमम कितना पॉसिबल है, देखो 60 डिग्री, मतलब कौन सा पॉसिबल है, देखो व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है, 60 डिग्री। अब इससे बड़ा हो सकता है लेकिन इससे स्मॉलेस्ट नंबर नहीं हो सकता, इससे स्मॉलेस्ट एंगल पॉसिबल नहीं है। अब एज इट इज देखो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल्स, ये तो था मिनिमम, अब मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है वो अपने को फाइंड करना है। तो देखो जब अपने पास इंटीरियर एंगल आ गया तो अपने एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करेंगे, देखो एक्सटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, 180 माइनस इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स कितना अपने पास 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, देखो 180 माइनस 60 कितना आ गया अपने पास आंसर, 120 डिग्री। तो देखो मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल है अपने पास 60 डिग्री और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है, 120 डिग्री। और जब अपने को फाइंड करना सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल तो कितना हो जाएगा, n माइनस में 2 मल्टीप्लाई 180, और जब ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करना तो n माइनस में 2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड में कितना हो जाएगा n। तो अगर स्टूडेंट आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।